हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। हमारा हिंदू लॉ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह हम लोगों ने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, शाम में अब हम आज थ्योरी और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि हिंदू होता कौन है। ठीक है, हिंदू कौन होता है? वो पर्सन जो बिलीव करता है और प्रैक्टिस करता है हिंदू रिलीजन को, उसे हम हिंदू बोलते हैं, उस पर्सन को हम हिंदू बोलते हैं। ठीक है, लिखा है ना, द पर्सन हु बिलीव्स एंड प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन इज नोन एज हिंदू। और ऑल्सो जो पर्सन मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियनिटी इनमें नहीं आता है, हु इज नॉट अ मुस्लिम पारसी क्रिश्चियनिटी, वो भी कौन कहलाता है? हिंदू कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, देखिए जो हिंदू हिंदू लॉ में जो एक्ट्स हैं, चार एक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। तो ये जितने एक्ट्स हैं वो कब आए थे? 1955 और 1956 में आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्ट तो 1955 और 1956 में आए, तो उससे पहले क्या होता था, हम लोग किस चीज को फॉलो करते थे? तो उससे पहले हम लोग धर्मा को फॉलो करते थे। धर्म जिसका मतलब होता है राइटियस थिंग या राइटियस ड्यूटी, सबसे राइटियस चीज क्या है, हम उसे फॉलो करते थे। धर्म के पीछे ही तो कितनी कितनी लड़ाइयां हुई हैं, महाभारत में देखिए धर्म के पीछे ही तो लड़ाई हुई थी कि नहीं हम अधर्म को हटाएंगे, धर्म के रास्ते पे सब चले, है ना। तो उससे पहले धर्म पे चलते थे कि हमारा धर्म, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि हमें धर्म से चलना चाहिए, अधर्म को नहीं फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग उससे चलते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है, हिंदू लॉ एक ऐसा पर्सनल लॉ है जो कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है पर्सनल लॉ का, यानी कि जितने भी लॉ है हिंदू लॉ सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है किसका? पर्सनल लॉ का। ठीक है, हिंदू लॉ सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है पर्सनल लॉ का। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की। ठीक है, कि हिंदू लॉ के सोर्स क्या थे, कहां से आया? दो सोर्स हैं, एक है एंशंट, एक है मॉडर्न। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे एंशंट सोर्स के बारे में। एंशंट सोर्सेस में सबसे पहला आता है श्रुति और वेदास। ठीक है, श्रुति और वेदा, श्रुति का मतलब ही श्रु से समझ आ रहा है, टू हर्ड, हमने जो सुना होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं श्रुति। कहते ना हमारे दादाजी या उनके पूर्वज जो थे वो बोलते थे ना कि हमने अपने अपने बड़ों से सुना कि ऐसा चलता आ रहा है, उनके बड़ों ने उनके बड़ों से सुना ऐसा चलता आ रहा है। तो श्रुति का मतलब होता है टू हर्ड, हमने जो चीज सुन रखी है। ये किसने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेदा, दूसरा होता है समावेदा, तीसरा होता है यजुर्वेदा, चौथा होता है अथर्वेदा। इस बार बिहार जुडिशरी में से क्वेश्चन भी आया था कि इसके मतलब सही बताना है कि इसके इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके प्री में क्वेश्चन आया था, तो इस चीज को आप ध्यान से देखना। जो ऋग्वेदा होता है वो किसके बारे में बात करता है? राइट एंड लाइबिलिटीज के बारे में। गुड इवनिंग प्रतीक, शिप्रा गुड इवनिंग, लीगल वोकैब बाय सौम्य गुड इवनिंग। अब आते हैं, स्मृति का मतलब होता है टू रिमेम्बर, श्रुति का मतलब होता है टू हर्ड, प्रतीक। ठीक है, अब ऋग्वेद क्या होता है? वो बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, हमारे क्या राइट होने चाहिए, हमारे क्या हिंदू लॉ में हमारी हमारे को कौन से अधिकार मिले, हमारी कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो हमें फुलफिल करनी है टुवर्ड्स सोसाइटी है जो है, वो किसके में बात करता है? ऋग्वेदा में बात करता है। ठीक है, समा, अब आता है नेक्स्ट समावेदा। समावेदा किसके बारे में बात करता है? सिंगिंग के बारे में। ठीक है, यजुर्वेदा किसके बारे में बात करता है? बुक ऑफ प्रेयर्स,
यानी कि उसमें लिखा होता है हमें गॉड को कैसे प्रेयर ऑफर करनी चाहिए, ठीक है, मतलब रिलीजियसली हमें कैसे मतलब पूजा पाठ करनी चाहिए, जो एक रिलीजियस चीजें हैं वो सब यजुर्वेदा बुक ऑफ प्रेयर्स में लिखी हुई होती हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ अथर्ववेदा, जो बात करता है बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्मृति और धर्मशास्त्र पे। स्मृति का मतलब होता है थिंग्स वी रिमेम्बर, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होता है धर्मशास्त्र और एक होता है धर्म सूत्र। कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा था, हमारे शास्त्रों में बहुत चीजें होती हैं जो लिखी होती है कि हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, कहाँ होता है, शास्त्रों में लिखा होता है। अब धर्मशास्त्र जो होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं, पोएट्री के फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। और इच्छोक के प्रतीक और धर्म सूत्र किस में लिखे होते हैं, वो प्रोज के फॉर्म में लिखे होते हैं। ये भी आप एक बार ना कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही बुलेट पॉइंट्स हैं, तो ये कहीं नोट कर लीजिए कि जो धर्म शास्त्र है वो पोएट्री में लिखा होता है और धर्म सूत्र वो प्रोज या वर्सेस में लिखा होता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कमेंट्री एंड डाइजेस्ट पे। देखो जो स्मृति है, दो तरीके की स्मृति है, धर्म सूत्र धर्म शास्त्र, बहुत से लोगों ने इसको लिखा है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखा। अब कोई भी एक स्मृति को जो बहुत ही इलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, इलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, उसे हम कहते हैं कमेंट्री। किसी भी एक स्मृति को जब हम पूरे विस्तार से एकदम डिटेलिंग से जब हम किसी चीज को इलैबोरेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट्री। डाइजेस्ट, बहुत सारी स्मृतिज हैं, यानी बहुत सारे शास्त्र लिखे हुए हैं, चाहे वो धर्म शास्त्र हो गया सूत्र हो गया, उनको कंबाइन करके एक उसमें एक्सप्लेन करना। कहते हैं ना हर चीज का निचोड़, इधर से भी उधर से भी निचोड़ निकाल के, जो कि एक मतलब इंपॉर्टेंट सबसे लेकर के एक निचोड़ निकाल करके जब हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं उसे बोलते हैं डाइजेस्ट, ठीक है। समझ में आया, कमेंट्रीज और डाइजेस्ट। कमेंट्रीज मतलब किसी एक स्मृति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इलैबोरेट कर देना एकदम डीपली जाके, और डाइजेस्ट होता है जहां पे बहुत सारी स्मृतिज को उसका निचोड़ निकाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके एक में इलैबोरेट किया जाता है। प्रतीक लाइक क्रिकेट कमेंट्री, हाँ देखो ना कितने डिटेलिंग में होता है ना। अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, पहले आप लोग इस सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, मतलब प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, खैर कस्टम, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कस्टम। देखो कस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, कस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, इसको नोट कर लो। पहला होता है शुड बी एंशियंट, मतलब एंशियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी 2 साल पहले से एक प्रथा हमने चला दी तो वो कस्टम में आ गई, नहीं नहीं बहुत पहले से चलते आने चाहिए। कहते ना हमारे पूर्वज के टाइम से ये प्रथा चलती आ रही है, वो क्या हो गया, एंशियंट हो गया ना, बहुत पहले के टाइम से चलता आ रहा है। तो कस्टम तभी बनता है जब वो बहुत पहले के टाइम से चलता आ रहा हो, ठीक है। अब हम सेकेंड पे जाते हैं, शुड नॉट बी वेग। कस्टम कभी भी वेग नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इसकी ये सर्टेनिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वेग है, समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या है कैसे करना है, नहीं नहीं नहीं, एकदम करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि नहीं अगर ये कस्टम ऐसे फॉलो होता है तो वो ऐसे ही फॉलो होगा, उसमें कोई इफ बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, शुड बी इन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय से वो प्रैक्टिस में प्रथा चलती आ रही हो, ठीक है। फोर्थ है हमारा शुड बी रीजनेबल। अब ऐसा भी नहीं कि कस्टम ऐसा हो कि अनरीजनेबल है, मतलब कुछ भी बना दिया, नहीं, जो भी अगर कस्टम जो भी प्रथा चलती आ रही है उसका एक महत्व इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबल होना चाहिए, एक मीनिंग के साथ होना चाहिए। तभी देखो जब भी कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, स्पेशली जब शादियां होती हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करते हैं कि कहते नहीं है कि जो भी हम लोग रिचुअल फॉलो कर रहे हैं उसको बहुत तरीके से करो,
ज्यादा उसको मजाक मत, कहते नहीं ये बड़े बुजुर्ग होते जब प्रथा चल रही होती है, हम बच्चे तो कभी कभी हंस देते हैं, अरे ये क्या करा रहे हैं, मतलब ऐसा को थोड़ी होता है, तो कहते नहीं हंसो नहीं, इसका हर एक चीज का महत्व होता है, हर एक चीज का इम्पोर्टेंस होता है, अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हम आगे भी अपने जो आएंगे जनरेशन उनको भी नहीं समझा पाएंगे। तो जो कस्टम होता है वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी उसका एक महत्व होना चाहिए। अब आते हैं शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि अब हिंदू हिंदू के एक कुछ लोग जो हिंदू मतलब रिलीजन के हैं वो कुछ लोग एक कस्टम को फॉलो कर रहे हैं और दूसरे लोग दूसरे कस्टम को फॉलो कर, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर एक कस्टम फॉलो हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए जो कि सब लोग फॉलो करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा सोर्स क्या है, मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस में आते हैं तीन, पहला होता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है प्रेसिडेंट, यानी कि जो केस लॉस ले लो, जो पुराने केस लॉस होते हैं जो जजेस रेफर करते हैं, कहते हैं ना कि कुछ कुछ जजमेंट ऐसे पास करते हैं जो कि पुराने केसेस में हो रखे होते हैं और उसके बेसिस पे वो जजमेंट पास करते हैं, तो एक तरीके से वो कस्टम ही हुआ ना, चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि बाइंडिंग होते हैं ऑल द कोर्ट्स, इनफैक्ट इवन ऑन हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे ही कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनफैक्ट हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग होते हैं, सबसे सुपीरियर होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो वो भी एक क्या हो जाता है, एक सोर्स बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा रहता है लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है। अब हिंदू लॉ क्या है, एक लॉ ही तो है, एक एक्ट है, वो किसने बनाया, पार्लियामेंट के थ्रू बना हुआ है, आज वो क्या है, एक सोर्स के फॉर्म पे चलता आ रहा है ना, ठीक है। तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वो भी एक सोर्स हो जाता है, किसका, हिंदू लॉ का, उसमें प्रिस्क्राइब होता है कैसे, किस सेक्शन में क्या है, कैसे होना चाहिए, किस वे में प्रोसीजर होना चाहिए, किसी को डाइवोर्स चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, मैरिज का कहाँ रजिस्ट्रेशन, कैसे कैसे सब कुछ उस लॉ में लिखा होता है, तो वो लॉ भी एक सोर्स बन जाता है, राइट। अब थर्ड आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अब मान लो कोई एक ऐसा केस आ गया जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्ररी है पहले के जजमेंट से, या कॉन्ट्ररी टू सम व्हाट लॉ है, और जज ने कोई भी अपना डिसीजन पास किया इन इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस में, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाता है, आपका सोर्स बन जाता है, मॉडर्न सोर्स में आ जाता है हिंदू लॉ का, समझ गए, एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स दोनों समझ गए ना, बहुत ईजी है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतने बड़े बड़े वर्ड आ गए, स्मृति, धर्म शास्त्र, सूत्र, सब इजी इजी है। चलो आगे चलते हैं, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, पहली बात तो जो मैरिज है ना, गुड कंसाइंस का मतलब होता है कि किसी एक अच्छे फेथ में, गुड फेथ में अगर किसी ने डिसीजन दिया हो, ठीक है, किसी को हाँ, मतलब अगर किसी डिसीजन से किसी को हार्म हो रहा हो और लग रहा हो कि ये डिसीजन अगर मैं लेता हूँ इन प्रेसिडेंट पे भी, और अगर वो लग रहा है कि वो गलत हो सकता है, जो पार्टी है उसके केस में ये डिसीजन अगर हमने लिया तो वो गलत हो सकता है, और अगर जज ने गुड कंसाइंस, गुड फेथ में अगर वो डिसीजन लिया होता है तो वो गलत नहीं होता है, और वो भी एक सोर्स बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अच्छा, तो देखो जो मैरिज है ना उसे बहुत ज्यादा सेक्रेड माना गया है, हमारे हिंदू रिलीजन में तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा सेक्रेड माना गया है, आप सब एग्री करोगे, है ना, इतने रिचुअल्स होते हैं शादी के एक हफ्ते पहले से, ये रसम वो रसम, क्यों, क्योंकि उसको बहुत ही सेक्रेड, सेक्रेड मतलब बहुत ही पवित्र माना गया है ना, कि अब इसमें क्या बोलता है कि जो मेन है वो इनकम्प्लीट है विदाउट वाइफ, ठीक है, जो आदमी है वो अपनी बीवी के बिना इनकम्प्लीट है। देखो शिव जी की भी जब शादी हुई थी ना, तब जब उनकी शादी हो गई थी तो उनको दिया गया, उनको कहा गया था अब वो कंप्लीट हुए हैं, उनको अर्धनागेश्वर बोला गया था ना, जब उनकी शादी हुई तो बोला गया था अब वो कंप्लीट हुए हैं, जब उनका पार्वती जी के साथ शादी हुआ एक उनको उन्होंने बोला कि अब ये महादेव कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, तो वैसे ही एक आदमी जो है वो अपनी बीवी के बिना इनकम्प्लीट है। हाँ, हालांकि आज के टाइम पे तो
जल्दी कोई ये मानता नहीं है, मतलब एक तरीके से मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट तो खैर होता है, लेकिन अब उसको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भैया निभा लो, तो वही बहुत बड़ी बात है ना। तो और क्या बोला गया है, वाइफ को अर्धांगिनी बोला गया है, गृहिणी बोला गया है, साथी बोला गया है हिंदू मैरिज में, कि एक जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की क्या होती है, अर्धांगिनी होती है, वो गृहिणी होती है। घर को कौन चलाती है, बीवी तो चलाती है, वाइफ चलाती है, हस्बैंड बाहर जाता है जॉब करने, दोनों का 50-50 होता है। तभी उसको बोला है ना कि एक इंसान मैन जो है इनकम्प्लीट है विदाउट वाइफ, उसकी साथी होती है दुख सुख में, हर ऊंच नीच में, हर उसमें उसका साथ देती है, है ना। प्रतीक बोल रहे हैं लॉट ऑफ रिचुअल मैम आई सॉ, हाँ बहुत सारे रिचुअल होते हैं, एक एक हफ्ते की शादी होती है भाई कहीं कहीं पर जगह, और गांव में तो बहुत ज्यादा रिचुअल्स अभी भी फॉलो किए जाते हैं, है ना। अब आते हैं पर्पस, पर्पस क्या होता है शादी का, पर्पस होता है गेटिंग अ सन, किसके लिए, मोक्ष के लिए। अब भाई वो तो आने वाला वक्त बताता है कि मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग मत बोला मैम कह रही है कि लो बेटा का है गेटिंग सन तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही, नहीं, सबको अपनी अपनी जगह अच्छा था, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आज के टाइम पे ना लोगों की मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो गई है, आज के टाइम पे वो लोग उतने ही खुश होते हैं जब लड़की भी होती है, तो अब ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी चेंज हो गई हैं, बट उस टाइम के हिसाब से पर्पस क्या था कि एक बेटा हो, और बेटा होगा तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। आप लोगों से कोई एग्री नहीं करेगा इस बात पे मुझे लगता है। फिर आते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या है, टू फुलफिल ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना, करने के लिए मैरिज को इंस्टीट्यूट किया गया है। कौन सी ड्यूटी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ड्यूटीज होती हैं जो इंसान को फुलफिल करनी होती हैं अपने एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का, कॉन्सेप्ट तो हमने समझा, अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। सेक्शन 3 में डेफिनेशन डिफाइंड है। अब आपको यहाँ तीन चीजें दिख रही होंगी ना, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटराइन ब्लड, ठीक है। सेक्शन 3C बोलता है कि फुल ब्लड कौन होता है, जिनकी सारे लोग एक ही खून के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम मदर, सेम फादर, भाई बहन सब एक ही सगे हैं, कहते हैं ना सगे भाई सगे बहन, तो मतलब एक ही उसके हो गए मम्मी पापा सगे भाई बहन, तो वो कौन हो गए, सेम ब्लड, ठीक है, सेम ब्लड। यस मैम आई डोंट अग्री बिकॉज लक्ष्मी इज इवन मोर देन इम्पोर्टेंट देन सन, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, सन भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, डॉटर भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, पर पहले के टाइम पे शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट आज के टाइम पे लोगों की जो थिंकिंग है वो खुल रही है, ओपन हो रही है, और वो लोग जब लड़की होती है तो भी उतने ही अब खुश होते हैं, बहुत ही कम जगहों में अब देखने मिलेगा कि वो दुखी हो गए, तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ना लड़का कम होता है ना लड़की कम होती है। चलो आगे चलते हैं, हाफ ब्लड, हाफ ब्लड किसे कहते हैं, जिसकी मम्मी डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट मदर, यानी कि पापा थे, पापा मतलब हम सगे पापा थे, उन्होंने दूसरी शादी करी, दूसरी शादी से जो बच्चे हो रहे हैं वो क्या है, अब हाफ ब्लड में आएंगे, मदर क्या है, हाफ ब्लड में, क्यों, क्योंकि वो अब स्टेप मदर हो गई है ना, तो यहाँ पे जहां पे मम्मी डिफरेंट हो वो हाफ ब्लड में आ जाएगा। अब थर्ड क्या बताया, यूटराइन ब्लड, यूटराइन ब्लड का मतलब जहां पे पापा डिफरेंट हो, डिफरेंट फादर, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, हमारे पापा तो नहीं थे ना, वो दूसरे पापा हुए, मम्मी ने दूसरी शादी की तो दूसरे पापा हुए, उनसे जो बच्चे हो रहे हो सब यूटराइन ब्लड में आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फुल ब्लड मतलब सब कुछ अपना ही है, सेम मम्मी सेम पापा सेम भाई बहन, हाफ ब्लड में मम्मी डिफरेंट हो जाती है, यूटराइन ब्लड में पापा डिफरेंट हो जाते हैं, बस MCQ में आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नोट कर लो, बुलेट पॉइंट्स हैं। अब आते हैं सेक्शन 3F पे जो बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप की। सपिंडा से ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे एक पिंड के लोग, है ना, सपिंडा का मतलब एक पिंड के लोग, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, इनमें शादी नहीं हो सकती है, ठीक है, सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक पिंड के हो गए ना। अब मान लो किस में नहीं हो सकती है, थर्ड जनरेशन इन लीनियल एसेंडेंट टू मदर। अच्छा, असेंडेंट और डिफेंडेंट समझेंगे, असेंडेंट का मतलब
ऊपर की पीढ़ी, ठीक है, और डिसेंडेंट का मतलब नीचे की पीढ़ी, यानी कि पापा के पापा, उनके पापा, ये क्या हो गए, असेंडेंट में आ गए, और नीचे की पीढ़ी यानी हम, हमारे से छोटे जितने भी है वो सब डिसेंडेंट में आ गए, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन इन लीनियर अकॉर्डिंग टू मदर, मम्मी की तरफ से तीन जनरेशन ऊपर में शादी नहीं हो सकती कि उनके बच्चे हैं, मतलब दादाजी के बेटे हैं, कुछ भी, कोई भी रिश्ता हुआ तीन जनरेशन में नहीं आना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सर के ऊपर मैम, अच्छा कौन सा वाला, सपेंडर रिलेशनशिप। देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ सेक्शन। यस मैम क्लियर, अच्छा ठीक है, चलो सपिंडा रिलेशनशिप हम फिर से समझाते हैं। देखो सपिंडा से एक चीज समझ में आ रही, पिंडा देखो, पिंडा मतलब एक पिंड के लोग, एक ही पिंड के लोग, जैसे मेरे पापा हैं, उनके पापा कौन है, दादा, मेरे उनके पापा मेरे कौन लगे, दादाजी लगे, ठीक है, फिर उनके मतलब मेरे दादाजी के पापा मेरे ग्रैंड दादाजी लगे। अब मान लो दादाजी का, मान लो दादाजी का कोई भाई है, उनका बेटा है, ठीक है, या उनके बेटे का बेटा है, उससे मेरी शादी करा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो थ्री असेंडेंट उसमें, लीनियर असेंडेंट में आ जाएंगे, समझे। मतलब चाहे मम्मी के साइड से तीन ऊपर के, जैसे नाना, उनके पापा या नानी मान लो, या कोई भी मान लो, मतलब तीन हमारी जनरेशन से तीन जनरेशन ऊपर के जो लोग होंगे उसमें शादी नहीं हो सकती है। ये मम्मी के साइड से होता है, और पापा के साइड से हमारी जनरेशन, हम जिस जनरेशन में, उससे पांच ऊपर, ठीक है, उससे पांच ऊपर में शादी नहीं हो सकती है। असेंडेंट का मतलब होता है ऊपर की जनरेशन, जैसे कहते नहीं है बेटा हुआ था, बेटा के ऊपर कौन सी जनरेशन थी, पापा थे, पापा के ऊपर कौन सी जनरेशन थी, दादाजी थे, दादा के ऊपर कौन सी जनरेशन थी, उनके भी दादाजी थे, समझ गए, हाँ कोई कंफ्यूजन। तो यही जनरेशन होती, तीन जनरेशन मम्मी के साइड से, फाइव जनरेशन पापा के साइड से शादी नहीं हो सकती। अगर वो शादी होती है तो वो किस में आती है, वॉइड शादी में आती है, वो प्रोहिबिटेड शादी है। अब हम आते हैं आगे सेक्शन 3G में, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। ये तो वही आ गया, वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर, एक दूसरे के असेंडेंट नहीं होनी चाहिए, यानी एक ऊपर जनरेशन में नहीं, जनरेशन में नहीं होनी चाहिए, जो हमने यह डिस्कस किया। सेकेंड, वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ है वो हमारे से लीनियर असेंडेंट की, मतलब मान लो कोई बेटी है या उनकी वाइफ है, वो नहीं होनी चाहिए। सेम, अब देखो यहाँ पे मेल की बात हुई है, मेल की कौन कौन वाइफ नहीं हो सकती है, किसी भी मेल की वाइफ कौन कौन नहीं हो सकती है, अपने हिंदू लॉ में कौन कौन सी शादी है जो कि वॉइड हो जाएगी। ब्रदर की वाइफ प्रोहिबिटेड रिलेशन में आएगी, फादर की वाइफ, ठीक है, फादर की वाइफ तो हमारी मम्मी हो गई ना, अपनी मम्मी से थोड़ी शादी करेंगे, प्रोहिबिटेड। मदर्स ब्रदर वाइफ, मम्मी के भाई की बीवी, ठीक है, मम्मी के भाई की बीवी तो हमारी मामी हुई ना, मामी से थोड़ी शादी करेंगे, तो ये भी क्या हुआ, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। अब ग्रैंडफादर की वाइफ क्या हुई, हमारी दादी जी से थोड़ी शादी करेंगे, ठीक है। अब आया ग्रैंड मदर्स ब्रदर वाइफ, ठीक है, ग्रैंड मदर्स ब्रदर कौन हो गए, दादी जी के भाई की बीवी, दादी जी के भाई की बीवी भी तो हमारी दादी ही लगी ना एक तरीके से, तो भी तो हम उनसे शादी थोड़ी ना कर लेगा, एक मेल इंसान उनसे, उनको थोड़ी अपनी बीवी बना लेगा, दादी हो गई, तो ये किस में आ गए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, इनमें शादी नहीं हो सकती है। और अगर बाय चांस कहीं भी गांव कूचे कहीं पे भी अगर ऐसे रिश्ते बनते हैं, शादी होती है, तो वो वॉइड होती है, ठीक है, वो वॉइडेबल भी नहीं आएगी, वो वॉइड ही होती है वो शादी। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, अब फोर्थ है, बिटवीन ब्रदर सिस्टर, भाई बहन में शादी थोड़ी हो सकती है, चाहे कजन हो या कोई भी भाई बहन हो, शादी नहीं हो सकती है। फिर अंकल और नीस, क्या बुआ भतीजे, सॉरी चाचा भतीजी, मामा भांजी, इनमें शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, गलत हो जाएगा, तो वहां पे ये क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। अब आता है आंट एंड नेफ्यू, बुआ भतीजा, मौसी भांजा, ये सब में भी तो शादी नहीं हो सकती ना, ये तो गलत हो जाएगा,
तो हमारे में हिंदू लॉ में ये भी प्रोहिबिटेड मैरिज में आएगा, ठीक है। फिर आते हैं कजन्स, मामा के बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, बुआ के बच्चे हो गए, मौसी के बच्चे हो गए, इनमें हम लोगों में शादी नहीं हो सकती है। ये किस में आ जाएंगे? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे। है तो एक ही उसके ना, भाई बहन ही तो है सारे। कजन्स में शादी हमारे हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड है, नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये वाला पार्ट थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा ना ट्रिकी सा, कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। बहुत इजी, अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से समझा दूंगी, बता देना, ठीक है। चलो अब सुबह हम लोगों ने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें एक क्वेश्चन यही ये भी था कि किस सेक्शन के अंदर कंडीशन आता है हिंदू मैरिज का, है ना, सेक्शन 5। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आंसर भी दिया था। प्रतीक कह रहे हैं बवाल हो जाएगा। अरे बवाल बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, और पहली बात तो हम सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी शायद ब्रिंगिंग ही अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई ना, शुरू से हम लोग को ये चीज माइंड में रखी है, नहीं नहीं ऐसा है, ये है वो है, तो इसलिए भी थोड़ा होता है कि वो सोच भी वैसी बन जाती है। बवाल तो खैर हो ही जाएगा। फिर अब आते हैं कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज में। अब ये जो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे ये दो हिंदू के बीच में, अब मान लो एक लड़का है वो मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, क्या लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है, इनकी शादी कहाँ होगी? इनकी शादी हो के बारे में जो कंडीशंस होंगी या रजिस्टर होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज जो कि दो हिंदुओं के बीच में है, दो हिंदुओं के बीच में। पहला है जो कंडीशन कि नो स्पाउस लिविंग, ठीक है, बाइगेमी नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक इंसान चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो अगर वो शादी कर रहा है तो उसका पहले से कोई बीवी या हस्बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड जिंदा है और वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, या वाइफ जिंदा है हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। वो शादी, मैंने ये देखो कंडीशन के साथ साथ मैंने ये इफेक्ट्स भी लिखे हैं, ठीक है, इसको आप बुलेट्स पॉइंट की तरह नोट कर लीजिएगा। प्री में पूछता है ऐसे कि क्या ये ऐसी शादी वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, क्या होगा, ये चीज पूछता है, तो आप ऐसी बुलेट पॉइंट बना करके नोट कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। तो अगर ऐसी शादी होती है बाइगेमी होती है तो वो शादी क्या होती है, वॉइड होती है। हाँ, अगर हस्बैंड नहीं जिंदा है और तब वाइफ दूसरी शादी करना चाहती है, या वाइफ नहीं जिंदा है तब हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है, तब वहां पे वो शादी वैलिड हो जाएगी, ठीक है। या एक और कंडीशन, या जिंदा नहीं है या फिर उसने डाइवोर्स ले लिया है तुरंत, मतलब डाइवोर्स ले लिया है, दोनों अब अलग रहते हैं, कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, तब वहां पे भी ये शादी वैलिड हो जाएगी, लेकिन बाइगैमी नहीं होना चाहिए, स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। सेकेंड आते हैं 2A, क्या बोलता है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, मतलब जो इंसान है, और ये इनकी तीनों के इफेक्ट्स जो हैं, तीनों के इफेक्ट्स वॉइडेबल में आएंगे, क्यों आएंगे वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, कि जो भी इंसान है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इनकेपेबल था शादी के दौरान अपना मर्जी बताने के लिए कि वो शादी इस इंसान से करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उस समय ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, मान लो मेंटल डिसऑर्डर हो या कोई कुछ भी हो सकता है, नहीं उसको समझ आ रहा हो, फ्रॉड कोएर्शन कुछ भी हो सकता है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ठीक है। सेकेंड आता है कंसेंट केपेबल बट मेंटल डिसऑर्डर प्लस अनफिट फॉर मैरिज प्रोक्रिएशन। अब कुछ होते ना कि इंटरवल में उनको अटैक पड़ता है पागलपन का, तो जिस समय मान लो कि उसका मतलब वो मेंटल स्टेट में था, उसने केपेबल था कंसेंट देने के, बट अनफिट है मैरिज प्रोक्रिएशन के लिए। मैरिज के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती है ना, प्रोक्रिएशन जरूरी होता है, कोहैबिटेशन जरूरी होता है, पर वो उन सब के लिए अनफिट है, वहां पे भी क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगी वो मैरिज, ठीक है। थर्ड, अटैक ऑफ इंसेनिटी, कोई इंसान है उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो उस केस में भी मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग सोचोगे ना कि वॉइड क्यों नहीं हो रही है, जब इंसान प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहा है, मैरिज प्रोक्रिएशन में अनफिट है,
कंसेंट नहीं दिया, जबरदस्ती उसकी शादी हो गई या पागल है, तो उसको तो अवॉइड कर देना चाहिए ना। नहीं, क्यों? जो इंसान, अब मान लो कोई एक इंसान है, उसकी शादी, ऐसे तीनों में से मान लो कोई भी एक क्राइटेरिया उठा लो, उसकी शादी हो गई, अब वो उसके साथ रह रहा है, मान लो चलो उसने बोला चलो ठीक है पागल है लेकिन अब हमको प्यार हो गया, अब हम उसके साथ रहेंगे, या चलो ठीक है नहीं फिट है हम निकाल लेंगे जिंदगी, अब शादी हो ही गई है क्या वापस से ये सब चीजें करना, चलो अब हम निभा लेंगे। तो ये अब क्या हो गया, जो पर्सन सही है या जो अपोजिट पर्सन है, जो उसका पार्टनर है, अगर उसका विल है तो वो शादी को वॉइड भी कर सकता है या वॉइड एबल भी कर सकता है। वॉइड एबल का मतलब ही देखो दो सेंटेंस एक में, वॉइड या एबल, ये किसकी विल ऑफ द अदर पार्टी पे होता है, विल ऑफ द अदर पार्टी। अगर वो चाहे तो इस शादी को वॉइड यानी कि खारिज कर सकता है, और अगर वो चाहे तो इस शादी को एबल यानी कि चला सकता है अच्छे से जैसे और शादियां चलती हैं। इसलिए इस क्राइटेरिया को हमने इफेक्ट जो है इफेक्ट है वो वॉइडेबल है, विल ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, एज ऑफ द पार्टी। ठीक है, एज ऑफ द पार्टी, ब्राइड की एज 18 ईयर होनी चाहिए, ग्रूम की एज 21 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया है। अब आप बोलोगे कि मैडम ब्राइड की एज भी अब 21 ईयर हो गई है, ठीक है बोला गया है, लेकिन अभी तक बिल इफेक्ट में नहीं आया है, तो और जब आएगा तो वो चीज भी मेंशन हो जाएगी एक्ट में, लेकिन फिलहाल के लिए ब्राइड की 18 ईयर्स है, ग्रूम की 21 ईयर्स है। ठीक है प्रतीक, थैंक यू सो मच प्रतीक, अच्छा है ना कि आपको समझ में आ रहा है चीजें, बढ़िया है। चलो तो हाँ, अब देखो इस केस में क्या होता है, मान लो लड़की 15 साल की थी और लड़का 19 साल का था, 18 साल का था, 20 साल का था, क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हुआ ना। ठीक है, फिर भी इनकी जो शादी होगी वो वैलिड कहलाएगी। ठीक है, इनकी जो शादी होगी वो वैलिड कहलाएगी, लेकिन इनको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इनको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि इन्होंने एज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था, अपनी एज से कम में इन लोगों ने शादी करी थी, तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगा, लेकिन जो शादी होगी ना वो वैलिड होगी, मतलब जायज शादी होगी। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड, जो डिग्री है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था ना, एक सेकेंड, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था प्रोहिबिटेड डिग्री, अगर इसके तहत में शादी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, सॉरी हाँ, उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। हमने बताया था ना कि अगर उस प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी होती है तो वो वॉइड होगी, वॉइड कहलाएगी, मतलब वो शादी खारिज हो जाएगी इनिशियल स्टेज से। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप, एक पिंड के रिलेशनशिप में अगर एक पिंड का रिलेशन है शादी होती है वो भी वॉइड हो जाएगी। मैंने बताया था ना मम्मी के से थ्री जनरेशन असेंडेंट और पापा के से 5 जनरेशन असेंडेंट, ठीक है ये सपिंडा में आते हैं। ठीक है, और अगर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ये नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन ना ज्यादातर यही आते हैं कि बताइए इनके इफेक्ट क्या होंगे, बहुत इजी है, स्पाउस लिविंग नहीं है, बाइगेमी है, तो पता ही है ना गलत कर रहा है, वॉइड हो गया। बियॉन्ड पीडी, बियॉन्ड एसआर, पता ही है ना कि इसमें शादी हो ही नहीं सकती है, वॉइड हो गया। बस इतना याद रखना, एज ऑफ पार्टी में वो शादी वैलिड होती है, भाई शादी हुई है वैलिड है लेकिन पनिशमेंट मिलेगा, और ये जो तीन जहां पागल बना जाए इनके बेबल कसन वो वॉइडेबल हो गया। ठीक है, इजी क्लियर, चलते हैं आगे। अब हमारा आज का जो आज का हमारा जो लास्ट है सेक्शन 7, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, सेक्शन 7 बात करता है कि सेरेमनीज
ऑफ हिंदू मैरिज में, मतलब हिंदू मैरिज में सेरेमनीज कितनी इंपॉर्टेंट है. हम लोग ने बात किया था ना कि हमारे हिंदू मैरिज में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितनी भी सेरेमनी होती है, सबको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब अच्छी तरीके से हर एक फंक्शन हो, हर एक रिचुअल फॉलो हो, बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि हर चीज का एक इंपॉर्टेंस होता है. अब बात करते हैं कस्टमरी राइट्स की. कस्टमरी राइट्स में आता है सेरेमनी आइदर पार्टी. ये क्वेश्चन एक आता है कि मान लो शादी हो रही है तो किसकी कस्टमरी राइट से, किसकी सेरेमनी से. कभी ऐसा होता है ना, मान लो लव मैरिज हो रही है, ठीक है, लड़का पंडित है, लड़की कायस्थ है, क्या लड़की पंजाबी है, लड़का कायस्थ है, मतलब मान लो कोई भी रिलीजन है, ठीक है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना. ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये रिचुअल चलता आ रहा है, दूसरी फैमिली कहती है हमारे यहाँ ये रिचुअल चलता आ रहा है. तो क्या होता है वहां पे, किसी भी एक पार्टी का, चाहे वो ब्राइड हो या चाहे वो ग्रूम हो, किसी भी एक पार्टी की सेरेमनी को एक्सेप्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली सेरेमनी परफॉर्म की जाती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की की होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के का होगा. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इधर इधर ब्राइड और ग्रूम किसी के भी सेरेमनीज को फॉलो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सप्तादी. सप्तादी मतलब सात फेरे. जैसे मेरे वहां ना सात फेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. हम मेरे वहां है कि 7 steps लेना जरूरी है शादी को कंप्लीट मानने के लिए. बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे होते हैं जिनके वहां पे होता है कि 4 steps आर इनफ, ठीक है, वो बोलते हैं 4 step काफी है, यानी 4 फेरे काफी है और उसके उसमें ही है कि उनकी शादी कंप्लीट हो गई. तो ऐसा नहीं है कि हमारे में 7 step है तो ही शादी कंप्लीट, 4 हुई तो इनकी शादी अधूरी हो गई. नहीं, इनका कस्टमरी राइट यही था, ये फॉलो ही ऐसे करते थे कि इनकी 4 steps में शादी कंप्लीट, तो वो शादी कंप्लीट ही मानी जाएगी, ठीक है. और जिनके यहाँ 7 है तो 7 steps में ही शादी कंप्लीट मानी जाएगी. ये 6 ले लें, ये 5 ले लें, इनकी शादी तब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, 7 steps में कंप्लीट मानी जाएगी. समझ गए, बराबर, चले आगे. चलो सेक्शन 8. सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है. अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैडम इज इट कंपल्सरी टू गेट अ हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड, तो आंसर है नो, नहीं, अनलेस स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, तब तक ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है. अब आप बोलोगे कि बिहार में 7 फेरा लेना कंपलसरी, अरे हाँ बिहार में 7 फेरा लेना कंपलसरी है, यूपी में भी 7 फेरा लेना कंपलसरी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं 4 फेरे का भी रिचुअल, और बहुत से अलग अलग रिचुअल होते हैं. उतना तो मतलब अब डिटेलिंग में मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें जानती हूँ, जो मैंने भी देखी है, मेरे वहां भी 7 फेरे मतलब कंपलसरी होते हैं. चलो आगे चलते हैं. हाँ, अब बात आती है कि मैडम जैसे अभी कुछ टाइम पहले ऐसी हुआ था, मैंने जब ये एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी शादी को तो बहुत टाइम हो गया है लेकिन हमारी शादी तो रजिस्टर नहीं होती, क्या हमारी शादी मतलब खराब है, वॉइड है, मतलब वो शादी जायज नहीं है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादी वॉइड हो गई, आपकी शादी वैलिड है, ठीक है, आपकी शादी वैलिड है. लेकिन अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, प्रिस्क्राइब किया है कि रजिस्ट्रेशन होना मैरिज का कंपलसरी है, तो आप उस शादी को जाकर के रजिस्टर करा लीजिए, चाहे वो शादी 10 साल पुरानी हो या 50 साल पुरानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अब इस पे फाइन या पेनल्टी क्या लगती है, ठीक है, अगर आपकी शादी अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई है, तो उसमें जो पेनल्टी या फाइन लगेगा वो कितने का लगेगा, 25 रुपीज का लगेगा, ठीक है. ये जब हम लोग सुबह एमसीक्यूज भी सॉल्व करते, पता नहीं आप लोग सुबह वाली क्लास में थे कि नहीं थे जहां हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, ठीक है. सुबह की जो क्लास होती है ना 10 to 11, प्लीज हम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्लीज उसे जरूर अटेंड करना. एमसीक्यूज में ना मजा आता है यार सॉल्व करने में, और सिर्फ थ्योरी थ्योरी हम पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी लगाते चले जाए ना सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज, तो हमारा ना दो चीजें साथ ही साथ कनेक्ट होती रहती हैं, ठीक है. तो 25 रुपए का फाइन लगता है, शादी वैलिड होती है, बस ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है तो उसको रजिस्टर करा लो, ठीक है.
चलो तो आज हम लोगों ने कितनी सारी चीजें कवर करी हैं, सेरेमनी सेक्शन 7, कंडीशंस, कॉन्सेप्ट क्या था उसमें, फुल ब्लड हाफ ब्लड सपिंडा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट समझा, सोर्सेस समझे और हिंदू कौन है वो समझा, ठीक है। अब कल हम लोग आगे का बात करेंगे, एक सेकेंड ना, हाँ तो हम लोगों ने आज इतनी सारी चीजें कवर करी, आई होप, प्रतीक कह रहे हैं मैं इवनिंग में आसन, कोई बात नहीं प्रतीक, वो क्लास पता है लाइफ के साथ साथ वो हमारे जो पेज है जुडिशरी अड्डा का, वहां पे वो वीडियो रहती है, तो जब भी टाइम मिले अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब हाँ कुछ बच्चों ने बोला 25-30 लेके आओ, तो चलो हम परसों से शुरू करेंगे कि 25-30 क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक बेसिक मतलब 25-30 की आप लोग आराम से कर सको, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जितना पढ़ा सबको समझ में तो आया ना, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी कल आगे का देखेंगे, 4 से 5 सेम यही टाइमिंग रहेगा क्लास के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हिंदू लॉ मेरी जो क्लास है उससे आप लोगों को इजी पड़ जाए, आप लोगों को ज्यादा इधर उधर बुक बुक देखना ना पड़े, यहाँ से पढ़ के जाओ आराम से रिलैक्स हो कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एमसीक्यू सॉल्व करो कि हाँ हिंदू लॉ में मेरे को दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट क्लास में 10 से 11 और शाम को 4 से 5, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्लीज इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।